हाय एवरीवन, ज्योति के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल पंजाबी कढ़ी बताना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम गैस लगाकर कढ़ाई में पकौड़ों के लिए तेल डाल देंगे, दो कड़छी। ओके गाइस, सबसे पहले हम पकौड़े बनाएंगे और उसके लिए जो मिश्रण लगता है वो एक कप हम बेसन डालेंगे और इसमें जो मसाले डालेंगे वो है नमक, इसमें नमक है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है और काली मिर्च है और अजवाइन है और थोड़ी कस्तूरी मेथी डाली है हमने। अब चॉप किए हुए प्याज, एक प्याज ले लेंगे हम चॉप किया हुआ, वो डाल लेंगे इसमें और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। गाइस, हम पानी की जगह दही 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 से मटेरियल को मिक्स करेंगे, इससे पकोड़े बहुत फ्लफी बनते हैं। हम एक कप दही डालेंगे इसमें और इसको मिक्स कर देंगे। गाइस, 5 मिनट हो गए हमें इसे फेंटते हुए, देखिए ये कितना फ्लफी हो गया है। अब हम इसे पकोड़े तलेंगे। ओके गाइस, तेल हमारा गर्म हो चुका है लो मीडियम पर। अब हम इसके बेसन के पकोड़े निकालेंगे। देखिए पकोड़े कितने फ्लफी हो चुके हैं और ब्राउन कलर भी इसने छोड़ दिया है। अब हम बाकी पकोड़ों को भी ऐसे तल लेंगे। गाइस, ये आधा किलो दही है, दही की हम कढ़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह। गाइस, पकोड़े हमारे सभी बन चुके हैं और रेडी है। अब हम कढ़ी को तड़का लगाएंगे। गाइस, हमने दही को फेंट लिया है। अब हम एक कप इसमें बेसन डालेंगे और मिश्रण को अच्छी तरह हिला लेंगे। ओके गाइस, दही बेसन और दही को हमने फेंट लिया है अच्छी तरह से, ये देखिए। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने एक कड़छी तेल डाला है सरसों का। सबसे पहले हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे इसको और उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। ओके गाइस, लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। प्याज हमारे 2 हैं और लहसुन की कलियां हमारी 12-13 थी गाइस, और 2 हरी मिर्च थी। अब इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे और गैस को तेज कर देंगे। ओके गाइस, ये 1.5 चम्मच नमक है, नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ओके गाइस, ये सूखे मसाले हैं, इसमें है धनिया और काली मिर्च, ये भी हम 1/2 चम्मच डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ओके गाइस, अब हम इसमें बेसन का मिश्रण डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह चला देंगे और इसमें अब पानी डाल देंगे। और अच्छी तरह इसको चला देंगे और एक बाउल हम और पानी डालेंगे। एक बाउल हम और पानी डालेंगे इसमें और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और तेज आंच पर इसे पकाएंगे। ओके गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं हमें कढ़ी को उबालते हुए। अब इसने बबल छोड़ना शुरू कर दिया है, पर हम इस आंच धीमी रखेंगे, धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक ये बबल खत्म ना हो जाए। फिर आंच को हम तेज कर देंगे और इसको 1/2 घंटा और चलाएंगे और पकाएंगे।
Hey guys, आधा घंटा हो गया है, कड़ी हमारी रेडी है। अब हम इसे कस्तूरी मेथी के साथ ऊपर से कस्तूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। और पकौड़े डाल देंगे इसमें। Hey guys, अब हम एक तड़का तैयार करेंगे। हमने मक्खन डाल दिया है, आधी टिक्की छोटी मक्खन की डाली है और इसमें हम दो हरी मिर्च डालेंगे। आधी चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे। तड़का हमारा रेडी है। अब हम इसको कड़ी के साथ कड़ी के ऊपर डालेंगे। Okay guys, इसको हमने तड़के के साथ सर्व कर दिया है, हरी मिर्च के साथ गार्निश किया है और साथ में चावल के साथ इसको परोसा है। अगर गाइस आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस। ओके, जय माता दी।